हेलो रिबान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट अरुण। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लेन पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। ऐसा ना अचानक से लगा ना कि आपके साथ ये पर्सन है ना खुश होना चाहते हैं, लाइक ना डांसिंग एनर्जी, लाइक मतलब साथ में मिलकर डांस करे, या एक रहता ना कि जैसे गले मिले और ऐसे गोल गोल घुमा रहे, ऐसे वाली एनर्जी मुझे फील हुई। डेफिनेटली थर्ड पार्टी इशू है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इनका ध्यान है ना थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी के ऊपर इनका कंसंट्रेशन या वो जो एनर्जी वाइज है ना बिल्कुल नहीं है। इनका पूरा ध्यान है ना आपकी तरफ है, अगर इमोशन की सोचो। अदरवाइज इनका मतलब एक पूरा डे टाइम है तो अपने काम पे ऊपर फोकस है, पूरा पूरा काम पे ऊपर फोकस है, जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस है, क्योंकि उनके हालात में ही ऐसा है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज या कुछ भी है, करियर ये जो भी है, काम बहुत हो सकता है या जो भी है, बट उसमें फोकस ज़्यादा है। बट अदरवाइज इनका जो एक फ्री टाइम होता है, एक रिलैक्सिंग टाइम होता है, एक मी टाइम होता है, वहाँ पे ध्यान पूरी तरह आपके ऊपर है। हालांकि आपको दिख रहे होंगे कि डीपीज है, स्टेटस है, स्टोरीज है, प्रोफाइल है, यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ बहुत एन्जॉयमेंट की एनर्जी आपको दिख रही होगी, बट ये जो चीज़ें होनी ना, मुझे ऐसा मतलब पता नहीं क्यों एनर्जी वाइज ऐसा फील हुआ कि वो सारी चीज़ें हैं ना थर्ड पार्टी इनसे ज़बरदस्ती करवा रही है, कि हो सकता है ना पॉसिबल आपको जलाने के लिए या जो भी है, बट मतलब इनसे कुछ भी करवाना है ना थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती करवा रही है, लाइक या फिर कह के, मतलब एक होता है ना इंसान खुद से करे वैसे नहीं, थर्ड पार्टी है ना उनसे करवा रही है, लिटरली करवा रही है। पता नहीं क्यों बट ऐसा लग रहा है ना कि जैसे 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 11-11 पोर्टल गया है, दिस फुल मून, न्यू मून, हर चीज़ की एनर्जी है ना वो धीरे धीरे से ना इनके ऊपर काम कर रही है, एक छोटे से लेवल से ही सही, बट वहाँ पे एक सीड रखा गया है। अगर ये ऑलरेडी थोड़ा एक बहुत अच्छे एनर्जी में थे तो फ़र्क पड़ा है, बट समाउ 11-11 पोर्टल का असर इनकी जो मन में या इमोशंस में गहरा असर कर गया है, ये चाहते हुए या ना चाहते हुए ये आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर है। इट्स नॉट मजबूरी काइंड ऑफ वर्ड, वो राइट नहीं होगा, ये काफ़ी ज़्यादा सोचने लगे हैं अचानक से। हालांकि ये आपसे बात नहीं करते, इस बारे में शायद बात नहीं करते, बट समाव ना इन्होंने कुछ फील करना शुरू किया है, उनको जैसा एक डिफरेंस हो या फिर आपके लिए कुछ स्पेशल फील करवाना हो, आपके ड्रीम्स में आपको देखना हो, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि जैसे पास्ट लाइफ कनेक्शन हो या फिर आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, वैसे कुछ ना एनर्जी कुछ तो है जो इनको बार बार है ना रिफ्लेक्ट हो रहा है। हो सकता है ये ड्रीम्स में दिख रहा हो और ये उस सपने को ना याद नहीं कर पा रहे, बट समा उनको ना कुछ अंदाज़ा तो होता है कि इन्होंने कुछ तो महसूस किया था, कुछ तो फील किया था। अगेन मुझे फील हो रही है कि स्टक की एनर्जी, स्टक या हैंग मैन की एनर्जी, जहाँ पे ना ये खुद को ना काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोलिंग एनर्जी में पा रहे हैं, कंट्रोलिंग एनर्जी, जैसे सब कुछ नसीब के हाथ में है, सब कुछ भगवान के हाथ में है, या तो सब कुछ थर्ड पार्टी के हाथ में है। हाँ ये सही है, सब कुछ थर्ड पार्टी के हाथ में है, कि जैसे
इनका कंट्रोल है ना हर चीज़ का किसी और के हाथ में है, इनकी अपनी डिज़ायर से। लेकिन अगर कुछ सोचना है या कुछ करना है, एक्चुअली में वो पाना है या करना है, तो उस सब चीज़ों में जैसे हर चीज़ जैसे ना किसी और पे डिपेंड है या फिर किसी और कंट्रोल में है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। मुझे ना सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी फील हो रही है, सिक्स ऑफ कप्स मेमोरीज ऑफ लव। ये जो पर्सन है आपके, ये काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज ऑफ लव में दिख रहे हैं। आपकी हर एक खूबसूरत याद जैसे ना कोई संभाल के रख रहा है, कोई ना ऐसे जैसे एक सजा के रखता है ना अपने मन में, अपनी जैसे एक मन की वॉल है और उसके ऊपर हर चीज़ जो आपकी दी हुई है, जो मेमोरीज है, जो खूबसूरत है, वो हर चीज़ सजाई हुई है, हर चीज़ सजाई हुई है। आपको लग रहा है कि शायद ये रिस्पॉन्ड नहीं करते या इस तरह से वे एक्सप्रेस नहीं करते या कुछ भी है, इनफैक्ट उनको भी खुद नहीं पता कि ये इतना सब कुछ फील करते हैं आपके लिए। हॉर्स दिख रहा है, एक्शन की उम्मीद बहुत ज़्यादा है इनसे, बहुत ज़्यादा एक्शन। बट यहाँ पे ऐसा लगना समाओ ये थर्ड पार्टी से आपको बचाना चाहते हैं या दूर रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी ज़रूरी है, मतलब ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपको अटैक या नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा ना कि थर्ड पार्टी की वजह से आपको कोई नुकसान ना हो या इन जनरल भी आपको नुकसान ना हो, आपकी स्पेशली इनकी वजह से, स्पेशली इनकी वजह से आपको कोई नुकसान ना हो, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। स्टूल, पता नहीं क्यों मुझे स्टूल फील हुआ कि कोई स्टूल पे बैठा है, स्टूल है आसपास चढ़ रहा है, ऐसे कुछ एनर्जी है। ऐसा लगता है ना कि जैसे आपकी जो डिज़ायर है, अपने मैनिफेस्टेशन है वो, क्योंकि मुझे ना गणेश जी की प्रतिमा बनते हुए नजर, एंजल्स की प्रतिमा बनते हुए नजर आए कि जैसे एंजल्स दिख रहे हैं और गणेश जी का मुख दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपके ना जो कष्ट है, विघ्न है, वो आने वाले हैं, लेकिन आपने तकलीफ सही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ, लाइक इतनी एंगजाइटी कि आपको खुद पता है कि आपने रात रात कितनी रो के काटी है, इतना दर्द, इतना फील हुआ, बट इस इंसान का कोई अता पता नहीं था या इनकी तरफ से ऐसा कुछ बिहेवियर नहीं था। तो अभी ऐसा लग रहा ना कि धीरे धीरे से चीज़ें ना बहुत अलग तरीके से बदलेंगी, मतलब आप खामोश होते जा रहे हो और इंसान बोलने की स्टार्ट में हो रहा है, अभी बोलना स्टार्ट करेगा कि ये क्या फील करते हैं। प्रपोजल की एनर्जी है, जैसे कोई घुटने पे बैठ के प्रपोज करना चाहता है, ये इमेज बनी है, तो प्रपोजल की एनर्जी है। तो इनकी तरफ से कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई ऑफर आ सकता है, कोई गिफ्ट आ सकता है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। बहुत खूबसूरत है, मतलब इट्स वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव, और ये ना बहुत एक स्लो एनर्जी है, लेकिन वो अलग से, मतलब ये जो अचानक से इनके मतलब दिख रहे हैं कि एकदम से नहीं होगा, बट अचानक से लाइटनिंग फास्ट इसलिए होगा क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग होगा, इसकी वजह से हो सकता है। ऑफकोर्स आप लोग का कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन ऊपर वाले ने ही बना के भेजा है, ऐसा कनेक्शन है, तो इसमें जो उतार चढ़ाव है, अप्स एंड डाउन्स है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द कनेक्शन की जर्नी है, वो है। समाओ ये इंसान है ना इस जर्नी में अपना रोल समझ नहीं पा रहे थे, मतलब इन्हें ऐसा लगा कि अगेन मुझे बार बार ये फील हुआ कि ये इन्हें लगा कि ये एक जस्ट कैजुअल अफेयर है, कोई रिश्ता था, हो गया, टूटा, चलो बात खत्म। बट अभी ऐसा लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो चीज़ें शुरू हुई है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। इनको ना आपके लिए जो भी फीलिंग्स है वो तो डिफरेंट है, इट इज़ नॉट जस्ट एक पर्सन जो मेरी ज़िंदगी में था या थी, ये इतनी सिंपल नहीं है। ये पर्सन मेरे लिए क्यों खास है, कितना खास है, ये जानने की कोशिश में ज़्यादा अभी फील हो रहा है, रदर देन टॉकिंग टू यू, लाइक ना आपसे बात करे या कुछ भी, ये नहीं इम्पॉर्टेंट। उनको ऐसा लगता है कि क्या है ऐसा ये पर्सन के बीच में और मेरे में है,
ये जानने में बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में सोच में पड़ जाते हैं, या फिर उनके सामने कोई ऐसी बातें हो रही है या कुछ सामने ऐसी कुछ चीज़ें आ रही हैं, बट समथिंग स्पिरिचुअल अवेयरनेस कुछ तो बढ़ रहा है इस रिश्ते के बारे में, खुद के बारे में, वो चीज़ बहुत फील हो रही है। क्योंकि इंसान को जिस तरह से मतलब मान लीजिए कि वो कोई प्रॉब्लम में है और ऊपर वाले की मदद मांग रहा है कि मुझे रास्ता दिखाओ, तो रास्ता कहीं अलग तरीके से दिख रहा है, रास्ता कुछ अलग तरीके से दिख रहा है उनको। इनकी इनिशियल्स सी हो सकते हैं, यू हो सकता है, वी और के, एस, जी। प्रपोजल, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन बहुत ज़्यादा फील हो रही है, एंड वर्गो एनर्जी, पाइसेस एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। वर्गो एनर्जी, पाइसेस एनर्जी, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट नंबर, एट नंबर, एट ऑफ वांड्स की एनर्जी, कम्युनिकेशन अचानक से आ सकता है। नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सोर्ड्स, वेरी गुड। मैंने कहा ना कि ये एनर्जी वैसी ही है, जजमेंट की। एट ऑफ वैंड्स, ट्रिपल एट एंजल नंबर फील हो रहा है मुझे। आपको 333, 444, 888 एंजल नंबर, 111 एंजल नंबर दिख रहा है बार बार, एंड डेविल बॉटम डेक है किंग ऑफ सोर्ड। काफ़ी ज़्यादा इंसान एक सोच में पक्का होने की कोशिश में है, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम जो है आपका नाम, मतलब आपका नाम जैसे ना जपते रहना, वो एक चीज़ है, स्पेशली रात के टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जैसे मैंने कहा ना आपको कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है, एट ऑफ सॉर्ड्स, ऐसा है कि पता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बट समाओ ऐसा लग रहा है ना, कंट्रोलिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, आसपास की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, स्पेशली थर्ड पार्टी के हिसाब से बहुत, कि नसीब ने कंट्रोल किया हो या थर्ड पार्टी ने, स्पेशली थर्ड पार्टी ने कंट्रोल किया हुआ एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। डेफिनेटली ये अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस रहने की कोशिश करे, काम में जो भी काम आप कर रहे हैं ना वो फोकस रहने की कोशिश करे, या तो प्रॉब्लम चल रही है या तो काम बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटीज़ है। अगेन ये एक जजमेंट का वक्त है, इनका सोल है ना फ्री होना चाहता है, कैसे होगा क्या होता है, जिसे ऊपर वाले से दुआ मांग रहा हो इंसान कि मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, यू नो सी यहाँ पे भी वैसे है, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरी डिज़ायर पूरी कर दो, कोई विश मांग रहा हो अचानक से, मतलब एक होता है ना हम अनजाने में विश मांगते हैं कि मेरे कुछ ऐसा हो जाए, जो कुछ अच्छा हो जाए, ये साथ जैसे हो रहा है ना, ये आप ही की वजह से है। सो मैंने जैसे कहा ना, ये एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी फील हुई कि अचानक से कम्युनिकेशन आ सकता है, अचानक से इनके इनका सामना हो सकता है आपके साथ, क्योंकि ये लिटरली एक अलग एनर्जी फील करते हैं आपके लिए। हालांकि कंट्रोलिंग थर्ड पार्टी एंड एवरीथिंग सब कुछ है, दिमाग में 100 बातें चल रही है, काम बहुत ज़्यादा है, काम में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपसे दूर रह पाना बहुत मुश्किल है, बहुत दूर रहना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ऐसे डेवलिश एनर्जी में है जहाँ पे आपके लिए एडिक्शन फील कर रहे हैं या फिर एडिक्शन फॉलो करते हैं, क्योंकि आपके ख्यालों के बगैर ये रह नहीं सकते, ये है फैक्ट है, ऐसा नहीं कि वो चीज़ ने होनी नहीं हो सकता। एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और आपके साथ ये एक प्रॉस्पेरिटी इमेजिन करते हैं कि कैसा होगा फ्यूचर, एक ब्राइट होगा, और समाव एक लकी चार्म की एनर्जी भी फील हो रही है कि जैसे आप उनके लिए एक लकी चार्म हो, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे अनजाने में सही इंसान मांग रहा है अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन, और सोल्यूशन आपके पास है, आप हो, ऐसी फील हुआ मुझे। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।